दोस्तों, मैं आपको आज मिलवाता हूँ एक बहुत ही अत्यंत गरीब परिवार से। यह बिहार के चंपारण जिले के औरैया पंचायत में है। यह है महादलित परिवार। ये देखिए इनके रहन धन का क्या तरीका है, ये कैसे रहते हैं। इस खजूर के ताड़ के पेड़ के नीचे ये लोग रहते हैं। ये छोटी सी कुड़िया, माफ कीजिएगा, छोटी सी कुटिया के नीचे यही है इनका। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, बस बिजली है। बिजली का कनेक्शन इन्होंने कहीं से लिया है। न कल है, न नल है, न लेटरिंग है, कुछ नहीं है, बस ये जी रहे हैं। जमीन होने की हम नहीं किया, तो दूसरा का जमीन में घर बना के पानी से। सुविधाओं के अनुसार इन्हें बिजली की सुविधा मिल गई है, बिजली है इनके घर में। ये देखिए, ये इनका घर है, कुटिया है। ये देखिए बिजली की सुविधा है, यह इसमें रहते हैं। यहाँ इनका घर में ही किचन है, यहाँ खाना बनता है। और ये देखिए कुटिया है। अगर बरसात आ जाए, बरसात का सीजन आने वाला भी है, अगर आ जाए तो ये कहीं का नहीं रहेंगे। और सरकार कहती है कि हम पूरी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं गरीबों के लिए। ये महादलित परिवार का एक घर है, ये इसमें रहते हैं। ये देखिए, ये दूसरा घर है। यहाँ भी देखिए रहने का तरीका। ताड़ का पेड़ सामने है। ये इनका बर्तन है। कोई किचन वगैरह कुछ भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये गरीब है, गरीब है। किचन कहाँ से रहेगा, खाने के लिए दो जून की रोटी नहीं है तो किचन कहाँ से होगी। ये देखिए इनके बच्चे को, दिल में एक आस बना हुआ है कि हमें भी स्कूल जाना है, लेकिन स्कूल जाने के लिए इनके पास कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। खाना ठीक से नहीं मिलता है। ये देखिए और भी कुछ बच्चे हैं, ये महादलित समाज के बच्चे हैं। ये कोई बनाया गया नहीं है, ये ओरिजिनल में इनके पास कपड़े नहीं है। तन बदन आप भी नहीं किया, हमने किया। तन बदन आप पूरा देख सकते हैं इनका। ये देखिए, ये सारे इसी घर के बच्चे हैं। अपने में मस्त है, खेलते हैं, कूदते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। ये बच्चे हैं। स्लोगन तो चल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब ये बच्ची के ऊपर ध्यान दिया जाएगा कि नहीं, ये तो सरकार ही बताएगी। खूब सारे न्यूज़ देखने को आपको मिलता है कि बेटियों की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये तालाब है, इन्हीं के बगल में ये रहते हैं। खतरा हमेशा बना हुआ रहता है, कब क्या बच्चे को कब किस तरह की परेशानी होगी, डूबने का भी डर बना हुआ रहता है। आइए यहाँ की, इस घर की एक महिला है, उनसे पूछते हैं। आप यहाँ कैसे रहती है? अब कैसे, अब दूसरा के जमीन में बानी से, ना हमने के घर द्वार बा, ना शौचालय बा, ना कुछ भी हमने के घर कोनो सुविधा नहीं कि हमने के लगे गरीब के लड़का के पढ़ाई में दिक्कत बा, हमने के ना कुछ के, सब कुछ के हमने के दिक्कत हो गई बा। ईजा ना पानी वानी के ईजा सुविधा बा हमने के, ना किचन के, ना कुछ के नहीं के हमने के। सरकार की तरफ से लेटरिंग बना या नहीं? ना नहीं के बनल, हमने के कहाँ बनल बा। आपका वोटर कार्ड है? ना जक नहीं के कार्ड नहीं है आपका? ना खाली निवास बा। निवास है? हाँ।
फिर भी आपको लेटरिंग नहीं मिला? ना ना नहीं मिला। इंदिरा आवास के लिए आपने अप्लाई किया है? ना, दैनिक सन लिख के जा वार्ड के ना ना भेजल है ना हमनी के नाम से आयल है सब क्योंकि भरा गए इंदिरा आवास वाला हमनी के नाम भरा है अनु फोटो देनी अपने मालिक को अपनो देनी कोनो सुनवाई ना भइल ना आयल हमनी के। मुखिया को कहा है आपने? हम मुखियो को कॉल है बानी अली मुखिया जी कहनी जी वार्ड के लेके दे दो हम ले के वार्ड के दे देनी हम। ये देखिए ये एक छोटा सा बच्चा है ये पुट्टी कर रहा है। अगर ये शौचालय बना हुआ रहता तो ये बच्चा शौचालय में ही लेटरिंग करता। ये भी सोच रहा कि क्या कर रहे हैं ये लोग। महादलित परिवार का यह बच्चा है। शौचालय नहीं है, सरकारी सुविधा कुछ नहीं है यहाँ पर। कुछ नहीं इंसान जैसा भी हो जो भी हो अपने जीने का तरीका खोज ही लेता है। यह देखिए जामुन का पेड़ है और ये घर के कुछ पुराने कपड़े हैं कि सारे कपड़े को जोड़ के इन्होंने झूला बनाया हुआ है और झूल रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं। जब तक ये बड़े होंगे तब तक यह झूला टूटता जाएगा बंधता जाएगा और खेलते रहेंगे। ये तालाब भी सूख गया है देख सकते हैं। ये बच्चे आस कर रहे हैं कि इस तालाब में कब पानी आएगी मछलियाँ होंगी और मछलियाँ को लेकर ये अपने बना के खाएंगे। लेकिन अभी भी ये लगे हुए रहते हैं। ये बच्चा है लेटरिंग करके चितल धो चितल धो चितल धो हे धो चितल धो हे मां। ये देखिए शौचालय शौचालय नहीं है तो देखिए ये गंदे पानी से ये बच्चा अपना लेटरिंग धो रहा है। आरक्षण समाप्त कर दिया जाए आरक्षण समाप्त कर दिया जाए आरक्षण समाप्त कर दिया जाए। हमने का कॉल बा आना नल नलका बोले ला तो नहीं के हमने के यही जा नलका सब के हल गेल हमने के ना हल। क्या नाम हुआ आपका? उषा देवी नाम हुआ हमार मालिक के बोधा नाथ। क्या काम करते हैं आपके मालिक? परचून के सामान वामान बेचे ला चाहे ढलाई ले काम मिले ला तो करे ला मजदूरी के काम करे ला। कौन सा परिवार से आप लोग आते हैं? महादलित हमनी के बानी सन नेटुआ हमनी के महादलित बानी सन। आज का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है फेसबुक में व्हाट्सएप में मुद्दा बना हुआ है आरक्षण समाप्त किया जाए। अब आप इस वीडियो को देखकर बताइए क्या इन लोगों की आरक्षण समाप्त करनी चाहिए? अगर आरक्षण समाप्त हो गया तो क्या ये लोग बचेंगे? सरकार के अनुसार इन्हें आरक्षण जरूर मिलना चाहिए, आरक्षण समाप्त नहीं करना चाहिए। इन्हें आरक्षण मुझे तो लगता है कि अंत तक आरक्षण होना चाहिए जब तक इनकी स्थिति सही ना हो जाए। इनका कहना है देखिए आज क्या हुआ था इस यहाँ कुछ खतरा भी हाँ हमारा बेटी एगो आई दिन आई बाहर से और दिन तीन साल का लड़का बेटी रहे मर गए में डूब के उस दिन मर गए अनु तब से लड़का हमारे झांकी पारे जाना आई लग गरीब आदमी कहाँ लड़का। ये देखिए तालाब है इनका कहना है कि इस तालाब में इनके घर की एक बच्ची डूब कर मर गई।
कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पर क्या कब क्या होता है। और बातें चलती है कि आरक्षण समाप्त किया कर दिया जाए। आरक्षण के विषय में वो जो कहते हैं रिवालू जी, तब जब आरक्षण टूट जाए तो हमने के बाल बच्चे कैसे जी, वो जो सूखे खैले भी ना मर जाए सब हमने के बाल बच्चा, ना पढ़े के मिली ना कुछ खाए के मिली ना कुछ रहे के सुविधा बा, कुछ हमने के आवास वास कुछ मिले है तो कैसे हमने के बाल बच्चे जी, हमने कैसे परवस्ती चली गरीब आदमी, ना जगह जमीन ना जमीन बना कुछ नहीं के हमने के पास, तो कैसे हमने के जिये ली। हमने के चाहे चाहे पानी से आदमी बन कर रहे के आदमी कहीं अथी कर के, तो हमने के कुछ वही लेने का सुविधा था कहीं कहीं आदमी बन कर रहे कैसे जी के हो कहीं जी हम सब बाल बच्चा जी। देखने छोट छोट बच्चा है वो देह में शुद्ध कपड़ा ना